बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से आने वाली पंजाब पुलिस में कुछ कमाल की जॉब्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। लेकिन अगर उससे पहले अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आइंदा आने वाली जो वीडियोज की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सके। तो पंजाब पुलिस में सब इंस्पेक्टर की बहुत ही कमाल की जॉब्स आई हैं जिनके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ। ये है जी मेरे पास एडवर्टाइजमेंट पेपर, ये जो सर्विस कोटा के लिए है वो सब इंस्पेक्टर के लिए लाहौर रीजन में 19 असामियाँ हैं। उसके बाद शेखोपुरा जो है उसमें 3 असामियाँ हैं। गुजरांवाला रीजन के लिए 10 असामियाँ हैं। उसके बाद रावलपिंडी रीजन के लिए 12 असामियाँ हैं। सरगोधा रीजन के लिए 7 असामियाँ हैं, ठीक है जी। इसी तरह फैसलाबाद के लिए 11 असामियाँ, साहिबल रीजन के लिए 3 असामियाँ, मुल्तान रीजन के लिए 9 असामियाँ, जबकि भावलपुर के लिए 9 और इंची खान डेरा गाजी खान के लिए 2 असामियाँ हैं, ठीक है जी। अब जो है सब इंस्पेक्टर के लिए ओपन मेरिट के लिए देख लेते हैं। इसमें लाहौर के लिए 79 यानी 89 जो है असामियाँ हैं, शेखोपुरा के लिए 10, गुजरांवाला रीजन के लिए 38, रावलपिंडी रीजन के लिए 47 असामियाँ हैं, सरगोधा रीजन के लिए 29 असामियाँ हैं, फैसलाबाद के लिए 45, साहिबल के लिए 14, मुल्तान के लिए 37, भावलपुर के लिए 38 और डीजी खान के लिए 8 असामियाँ हैं, ठीक है जी। तो ये कुछ असामियाँ हैं जिनके बारे में मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है। तो अब चलते हैं अप्लाई के तरीके की तरफ। अप्लाई करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन जो है उसका चलान फॉर्म जो है आपने डाउनलोड करना है, उसको फिल करना है, नेशनल बैंक की किसी भी ब्रांच में आपने उसको जमा करवाना है। जमा करवाने के बाद बीपीएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से आके आपने सिंपल ऑनलाइन अप्लाई कर देना है। तो ये है जी इसका कुछ क्राइटेरिया जो है। फिजिकल स्टैंडर्ड जो है वो बताया गया है, 5 फीट 7 इंच जो है मेल के लिए हाइट बताई गई है, चेस्ट 33 से 34 इंच बताई गई है, और जो फीमेल्स के लिए हाइट है वो 5 से 2 इंच होनी चाहिए, ठीक है जी। ये कुछ फिजिकल था और ये आगे सिलेबस दिया गया है, ठीक है जी। सिलेबस में ज्यादा नॉलेज दिया गया है, 20% इंग्लिश, 40% आईटी एंड लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन जो है वो 40%, ठीक है जी। इसके मुताबिक आपने इस पोस्ट के लिए तैयारी करनी है और मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है ग्रेजुएशन वाले जो लोग हैं वो सिंपल इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।